देखिए सबसे बड़ी बात, आप इसके फायदे जानकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। इतने गजब के, इतने भयंकर बेहतरीन फायदे होते कि आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताया गया अंकुरित अनाज यानी कि हरी वाली, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, मैंने मूंग की दाल ले ली है, ये फूट गई है, अंकुर हो गई है, चने की दाल अंकुर हो गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। बादाम ले लिए, अखरोट ले लिए यानी कि वॉलनट्स, आलमंड्स और काजू यानी कि कैश्यू, इसके क्या क्या सेवन करने के जबरदस्त बेहतरीन फायदे होते हैं, काफी छोटी 2 मिनट से भी कम समय की वीडियो रहने वाली, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आपका किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी प्रश्न रहता है, क्वेश्चन रहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल भी ना भूले, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। साथ में वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, बस मेरा मन करता है बार बार मैं इसी तरह की आपके लिए अच्छी वीडियो डेली अपलोड करता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए राजीव दीक्षित जी ने अष्टांग हृदय में भोजन को यानी कि फूड को, खाने को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलें, नेगेटिव प्राणिक फूड, पॉजिटिव प्राणिक फूड और जीरो प्राणिक फूड। जो अच्छे खाने होते हैं उनको हम बोलते हैं सात्विक भोजन यानी कि पॉजिटिव प्राणिक फूड, जो बुरे खाने होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद में, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्राणिक फूड, और जिनसे ना कुछ फायदा होता है ना कुछ नुकसान होता है, लेथार्जी आते हैं यानी कि आलसपन आता है ना, एकदम आलसी आलसे से कुछ काम करने का मन नहीं करता है, उनको बोलते हैं जीरो प्राणिक फूड, जैसे कि टमाटर हो गया, आलू हो गया। नेगेटिव प्राणिक फूड की अगर हम बात करें तो लहसुन वगैरह होता है, लेकिन आप ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं अंकुरित अनाज, इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा टॉप पे रखा जाता है इसको पॉजिटिव प्राणिक फूड यानी कि सात्विक भोजन की कैटेगरी में। फायदों के बारे में बात करें, आंखों की रोशनी अगर आपकी कमजोर रहती है, बालों के झड़ने की समस्या रहती है, हड्डियां जिनकी कमजोर हैं, चेहरे पे ग्लो नहीं रहता, जिनकी एजिंग जल्दी हो गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, आंखों के नीचे काले गेरे हो रहे हैं, जिनके चेहरे पे गोरापन बिल्कुल भी नहीं रहता है ना, एकदम काले काले से अलग ही दिखते हैं, एकदम मरा हुआ डल सा चेहरा, उनके लिए से बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, आपकी दिमागी क्षमता को काफ़ी ज़्यादा तेज़ करता है यानी कि आपकी जो मेमोरी पावर होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए अंकुरित अनाज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, योग प्राणायाम करने के बाद सुबह एक्सरसाइज इवन जो लोग करते हैं, मैं जिम जाने वालों की भी बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप ये भोजन ग्रहण करते हैं जो कि हमारे अंकुरित अनाज हो गया, बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गया, उसके बाद में अखरोट हो गए, अंकुरित हरी मूंग की दाल हो गई, चने की हो गई, इससे ताकतवर जबरदस्त बेहतरीन भयंकर कुछ हो ही नहीं सकता। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।